हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो इस आज की वीडियो में आपका भाई बताएगा कि आपके जो हेयर फॉल होते हैं, जो एक दिन में कितने हेयर अगर फॉल हो रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत सारे भाइयों का होता है कि ध्रुव भाई, ये कितने हेयर एक दिन में टूटे, तो वो नॉर्मल है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कितने हेयर आपके टूटते हैं वो नॉर्मल है, और आपको मैं इवियॉन 400 विटामिन ई की कैप्सूल समर में गर्मी में कैसे यूज करना है, सही तरीका क्या है, ये बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और मेरे भाई, अगर आप इंस्टा पे अपने भाई को फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टा के लिंक तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल देगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये सबसे पहले बात करेंगे कि इवियॉन 400 को कैसे यूज करना है, ये विटामिन ई की जो कैप्सूल है इसको हेयर के लिए कैसे यूज करना है समर में। इसको आपको कोकोनट ऑयल, हाँ मेरे भाई, कोकोनट ऑयल आप ले सकते हो, समर के लिए बेस्ट होता है। कोकोनट ऑयल लो, हल्का ऑयल कोई भी ले सकते हो आप, मैं जो बता रहा हूँ आप कोकोनट ऑयल लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो कोकोनट ऑयल आपको लेना है, हल्का सा उसको गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बहुत ही हल्का सा गर्म करना है। आपको अपनी हेयर लेंथ के हिसाब से आपको कैप्सूल एक या दो आपको लगेगी, बहुत ज़्यादा बड़े हेयर है तो तीन लगेगी। तो आपको ये कैप्सूल निकालनी है, पंचर करनी है, और इसके अंदर का जो ऑयल है उसमें मिक्स करना है, क्या कहते हैं ऑयल में, अच्छे से मिक्स करने के बाद अच्छे से मिला देना। मिलाने के बाद आपको सिंपल सा मेरे भाई अच्छे से स्कैल्प में, हाँ रखना स्कैल्प में लगना चाहिए, स्कैल्प पे आपको अच्छे से मसाज करना है। जितने अच्छे तरीके से आप मसाज करोगे उतने अच्छे तरीके से आपके हेयर रूट पे इसके जो बेनिफिट हैं वो मिलेंगे। और ऑयलिंग करने का सही तरीका यही है कि आप अच्छे से ऑयल को अपने स्कैल्प में अच्छे से मसाज करो। ये तो हो गया ऑयलिंग का, ऑयलिंग आप 2 घंटे कर सकते हो, आप ओवरनाइट के लिए छोड़ सकते हो, फिर देन शैम्पू। फिर आपको बताएंगे इससे रिलेटेड हेयर मास्क कैसे बनाना है जो समर में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा आपके हेयर को। आपको सिंपल सा एलोवेरा, आपको जो घर पे प्लांट बेस्ड जो प्लांट वाले होते हैं, जो घर के होते हैं एलोवेरा, उसको लेना है और उसमें से एलोवेरा का जो गूदा है उसको निकालना है। निकालने के बाद आपको कुछ नहीं करना, इसकी 2 या 1 कैप्सूल सेम इसी का ऑयल उसमें मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा 1 चम्मच या आधा चम्मच कोकोनट ऑयल उसमें मिक्स करना है, तीनों को अच्छे से फेंट लेना है। फिर आपको अपनी हेयर में, अपनी स्कैल्प में लगा के 1 घंटे तक आप छोड़ सकते हो, फिर देन आप शैम्पू सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी हेयर की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी और जितनी भी प्रॉब्लम स्कैल्प है वो अच्छे से दूर होगी। और लास्ट इसका मैं बताऊंगा आपको बेनिफिट, इसकी स्किन के लिए आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, ये स्किन के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा ही बेनिफिट देगा। आपको सिंपल फेस वॉश कर लो, फेस वॉश करने के बाद आपको 1 कैप्सूल लेनी है, इसका ऑयल निकाल के अपने पूरे स्किन पे, फेस पे अच्छे से लगा के बहुत हल्के हाथों से मसाज करनी है, 2 मिनट मसाज करके ओवरनाइट के लिए छोड़ दो, देन सुबह फिर फेस वॉश कर सकते हो। ऐसा अगर आप करोगे तो आपकी स्किन की क्वालिटी बहुत ज्यादा ही इंप्रूव होगी, बहुत ही ज्यादा आपका जो स्किन है वो फेयर होना स्टार्ट हो जाएगा और जो डलनेस है वो दूर होगी, चेहरा चमकने लगेगा। दूसरा जो तरीका है फेस मास्क बनाने का, सिंपल सा है, 1 या 2 कैप्सूल लेनी है और एलोवेरा जेल लेना है, जो घर का एलोवेरा प्लांट वाला होता है उसमें मिक्स करके आराम से लगा के छोड़ देना है, 15-20 मिनट बाद आपको देन पानी से धुल लेना है। तो गाइस ये तो हो गया इवियॉन 400 और एलोवेरा के बारे में मैंने बताया आपको कैसे यूज करना है, और ऑयलिंग करने का सही तरीका भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अब बात करते हैं जो मेन पॉइंट है, जो बहुत सारे भाई लोग पूछते हैं कि ध्रुव भाई हेयर फॉल होना कितना नॉर्मल है, अगर दिन के कितने हेयर फॉल हो रहे हैं तो नॉर्मल है। तो मेरे भाई बोलने को तो लोग बोलते हैं 100 हेयर नॉर्मल है, 100 बाल अगर झड़ जा रहे हैं दिन के तो नॉर्मल, तो मुझसे अगर पूछोगे तो मैं 30 से 40 बाल अगर झड़ रहे हैं तो वो नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा जा रहे हैं, इससे ज़्यादा टूट रहे हैं तो वो नॉर्मल नहीं है मेरे भाई। और मेरे से भी बहुत सारे भाई लोग पूछते हैं कि ध्रुव भाई आपके कितने हेयर दिन के चले जाते हैं, तो मेरे भाई मेरे भी मैं गिनता हूँ तो ऐसे नहीं हूँ, 10, 15 या 20 इतने तो टूटते हैं, नॉर्मल हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं, इतने तो नॉर्मल सबके ही टूटते हैं, कोई ऐसा नहीं जिसका एक भी हेयर फॉल ना हो, तो इतने नॉर्मल है। और 40 बाल अगर आपके टूट रहे हैं तो आप टेंशन फ्री रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं, इतना नॉर्मल है। और इससे ज़्यादा अगर टूट रहे हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, चैनल पे मेरे भाई 200 से ज्यादा वीडियो है हेयर के ऊपर, आप जाओ, मैंने जो बताया है उसको आप कोई भी वीडियो में एक भी वीडियो आप फॉलो कर लो, जो मैंने बताया है उसको करो, आपका हेयर फॉल कम होगा, हेयर की प्रॉब्लम कम होगी और आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप चाहते हो हेयर भी अच्छे रहें, आप भी अच्छे रहो, तो मेरे भाई कुछ भी करो, चाहे जितना करो, कुछ भी कर रहे हो करो, बाहर का खा रहे हो खाओ खाओ, बट एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज अभी तक मैं बार बार बोलता हूँ, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, उसी से सब कुछ है, तो एक्सरसाइज करो, बाकी जो कर रहे हो करो, उससे कोई दिक्कत नहीं, बट उसको कम कर दो, जो फालतू की चीज़ें करो उसको कम करो और एक्सरसाइज पे ध्यान दो, और अच्छी चीज़ें भी खाने की कोशिश करो, उससे ज़्यादा जो अच्छा खाओगे, जितना अच्छा खाओगे उतना अच्छा आपको बॉडी रिस्पॉन्स देगी अंदर से,
तो यही है फैक्ट, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, अच्छी नींद लो, यही सब एकदम सिंपल है। और जो मैंने बताया हेयर की ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वीडियो डाली है तुम्हारे भाई ने, उसको देखो। और मेरे भाई अभी तक आपके भाई के 100K की फैमिली नहीं हुई, और आप सभी मैं देखता हूँ पता है 90% लोग वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते 10% लोग किए हैं। तो ऐसा मत करो, अगर आपको कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा है, और कोई भी फालतू की चीज़ें मैं वीडियो में बताता नहीं हूँ, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। और इस वीडियो को लाइक करना, एक कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बता सकते हो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो का लाइक एम तो वहाँ भाई ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5000 रख रहा है, तो अभी तुरंत लाइक करो और एक कमेंट करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मैंने सोचा है, डिसाइड किया है कि ब्लॉग इस चैनल पे नहीं आएगा, इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ ग्रूमिंग की वीडियो, फैशन की वीडियो और स्किन की वीडियो आएंगी फ्यूचर में भी, और अभी भी बस आपको अगर ब्लॉग देखना है तो ब्लॉग का चैनल मेरा ऑलरेडी है, जिसपे अभी 4000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो उस चैनल पे आप जा सकते हो, चैनल की लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, नहीं तो आप सर्च कर सकते हो ध्रुव यादव ब्लॉग्स, इतना सर्च करो ध्रुव यादव ब्लॉग्स, मेरा चैनल आ जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके वीडियोस देख सकते हो और उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप वहाँ पे प्यार दिखाओगे और यहाँ से जाके वहाँ सब्सक्राइब करोगे, तो उस पे भी मैं ब्लॉग लाऊंगा, अच्छे अच्छे डेली ब्लॉग लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।